पोर्टल की जानिब से खुश आमदीद और हम मास्टरिंग डाटा ग्रिव्यू सीरीज़ के पार्ट 7 में हैं। पार्ट 6 में हमने डाटा ग्रिव्यू में डाटा जो है वो डाटाबेस से शो करवाया था। अब हम पार्ट 7 की जानिब मूव करते हैं। पार्ट 7 में हम क्या लर्न करेंगे, हाउ टू चेंज द कलर ऑफ डाटा ग्रिव्यू रोज बेस्ड ऑन कंडीशन, और हम ये काम करेंगे फॉर ईच लूप को यूज़ करते हुए। यानी कि आप दो चीज़ें इस ट्यूटोरियल में सीखेंगे, एक चीज़ पहली चीज़ ये है यूज़ ऑफ फॉर ईच लूप और सेकेंड चीज़ है कंडीशन बेस्ड चेंजेस जो कि आप करेंगे। तो सबसे पहले हम जंप करते हैं, एक दफ़ा मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ। पार्ट 6 के अंदर हमने, जैसे मैंने बताया कि हमने डाटा ग्रिड व्यू से, डाटा ग्रिड व्यू के अंदर डाटा जो है वो डाटाबेस से शो करवाया था। तो अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करें, पार्ट 7 की तरफ, जिसके अंदर हम फॉर ईच लूप यूज़ करते हुए रो का कलर चेंज करवाएंगे। ठीक है, तो हम स्टाइलिंग की तरफ जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि सिलेक्शन मोड जो है उसको सेट करना पड़ेगा कंप्लीट रो, फुल रो सेलेक्ट। ठीक है, पहली चेंजेस ये हो गई और उसके बाद इसके लोड के इवेंट पे हम फॉर ईच लूप लगाएंगे और ईच डेटा ग्रिड व्यू रो इन रो 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 इसका ऑब्जेक्ट है इन जीआरडी ऑल डाटा डॉट रोज। जीआरडी ऑल डाटा जो है वो जो डाटा ग्रिड व्यू मैंने यूज कर रहा हूँ उसका नेम है। ठीक है, और ब्रैकेट्स के अंदर अब हम यहाँ पर हमारी बेसिकली फॉर ईच लूप तो लग चुके हैं, अब हमारी कंडीशन जो है उसकी बारी है। कंडीशन कैसे लगेगी, रो डॉट इंडेक्स, कंडीशन आप कोई भी लगा सकते हैं। मैं कंडीशन ये लगा रहा हूँ कि जितनी भी रोज होंगी उनको वो जो रो होगी जो उसका इंडेक्स होगा बेसिकली उसको वो डिवाइड करेगा 2 पे, और उसका रिमाइंडर अगर 0 आता, मतलब मैं इवन और ऑड वाली जो गेम है वो इसके अंदर कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको डिवाइड करना था 2 से। ठीक है, 2 से इसको डिवाइड किया तो अब ये ओके है कंडीशन हमारी। कंडीशन मैंने ये लगाई है कि अगर हमारे पास 2 से जो इंडेक्स है वो डिवाइड हो गया दैट मींस वो इवन नंबर है, तो जो जिस रो का नंबर इवन होगा वहाँ उसका उसकी रो का जो कलर है, ताकि मुझे पहले रो को एक्सेस करना है, रो डॉट इंडेक्स डॉट डिफॉल्ट सेल स्टाइल, और यहाँ पर अब डॉट मैं बैक कलर दूंगा इज इक्वल टू मैं जो भी देना चाहता हूँ कलर डॉट वाइट स्मोक से मैं देना चाह रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद एल्स में कि अगर वो जो रो है वो ऑड हुई तो फिर क्या होगा, यही सारी लाइन कॉपी होगी और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे, और जस्ट मैं उसका कलर जो है वो यहाँ पर कर दूंगा लाइट ब्लू। ठीक है, हमारा लूप ओके हो चुका है, उसको रन करते हैं। तो आपने देखा कि ये वाइट स्मोक कलर है, ठीक है, 0 भी और ये 1 और 2, ठीक है, 2 भी और इवन है 0 भी, तो जब उसके साथ डिवाइड होगा 2 के साथ तो रिजल्ट 0 आएगा। तो हमने क्या किया कि जो ऑड वाली रो थी उसका कलर जो है वो हमने लाइट ब्लू कर दिया, ये लाइट ब्लू है, और वाइट स्मोक जो बाकी रोज जो है उनका कलर जो है वो वाइट स्मोक कर दिया। तो इस तरीके से आपने इस ट्यूटोरियल में दो चीज़ें सीखी, एक यूज़ ऑफ फॉर ईच लूप इन डाटा ग्रिड व्यू, और सेकंड थिंग आपने ये सीखी कि आप किस तरीके से कोई भी कंडीशन अप्लाई करके जो कलर है किसी भी रो का वो आप कैसे चेंज कर सकते हैं। मतलब आपने तीसरी चीज़ ये भी सीखी कि आप कैसे किसी रो का जो बैकग्राउंड कलर है वो आप कैसे प्रोग्रामेटिकली चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी रो का बैक कलर भी, बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड यू कैन फाइंड सोर्स कोड ईजिली ऑन माई ब्लॉग itfunctions.blogspot.com। अगले ट्यूटोरियल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।